आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये तंगड़ी नॉलेज है, ये तंगड़ी नॉलेज काम करेगी और प्रॉफिट आप डेफिनेटली बनाएंगे ही बनाएंगे। और प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करके आप ट्रेड लो, आपको प्रॉफिट करने से कोई रोक नहीं सकता है। जो मेरी शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न इतने सारे मैंने बनाए हुए ना, अगर आप उनको फॉलो भी करें, अगर 5 पैटर्न 10 पैटर्न भी अगर आपने सीख लिए सीरियसली होके, तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट बनने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मार्केट के अंदर में मैंने बोला आपसे, दो तरीके से वी पैटर्न बनते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। आप सीधा और उल्टा काम कैसे करेगा, इसमें मैं क्या क्या चीजें ऐड करने वाला हूँ, वो थोड़ा आप ध्यान दें। ठीक है, मेरी बातें और मेरी स्क्रीन पे आप ध्यान दें। अब जैसे कि मैं देखो यहां बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। ठीक है, अब मार्केट में वी पैटर्न कैसा बना है ये देखो, यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है, मार्केट ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल आता है और मार्केट वहां से नीचे की नीचे आ जाती है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। जब एक रेड ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद में मार्केट ने सीधा डाउन मूवमेंट बनाया। डाउन मूवमेंट बनाने के बाद में फिर मार्केट एक साथ ऊपर की तरफ निकल चुकी है, तो यहाँ पर वी पैटर्न बना, यस या नो? बिल्कुल बना है वी पैटर्न। कैसे बना है मैं आपको बताता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं यहां पर मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूं हैवी, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा अच्छे अच्छे क्लियर। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि देखो मैंने क्या करा है यहाँ पर, एक सेकेंड, वन मिनट, थोड़ा कलर इसका थोड़ा यूनिक सा ले लेते हैं। ये पता नहीं आ क्यों नहीं रहा है, ये नीचे आ गया आ गया आ गया। ठीक है, चलो ठीक है, एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ लगाई है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, यस, अब जैसे कि मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है, ठीक है, अब आपको वी पैटर्न समझ में आ रहा है, यस या नो? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा भाई, क्योंकि ये वी पैटर्न है। अब वी पैटर्न पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो थोड़ा सीरियसली समझो। आपने जहां तक नॉलेज ले रखी है वी पैटर्न के बारे में, कैंडल देख के ट्रेड नहीं ले सकते, आपको चार्ट को देखकर कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो, जो आपकी ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है, आनी भी चाहिए, मेरी बातें समझ में आपके। तो काम कैसे करेगा, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, देन नीचे की तरफ आई मार्केट, ठीक है, आने के बाद में मार्केट एक साथ ऊपर की तरफ गई। ऊपर की तरफ जाने के बाद में तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी, दो ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी। कैसे मिलेंगी वो चीज मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एक तो मार्केट यहाँ पर वी पैटर्न को ऊपर ब्रेक कर दी, मतलब वी पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ से आके फिर एक साथ ऊपर की तरफ गया और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक कर दे या टच कर ले, यहाँ पर क्लोज हो जाए या ऊपर ब्रेक कर दे, तो उसके बाद में जो कैंडल स्टार्ट होता है, तो रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, तो रेड कैंडल स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बनने के बाद में आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, पुट डायरेक्शन में। तो पुट डायरेक्शन में अगर आप यहाँ ट्रेड लोगे तो लॉस होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन आपको क्या करना है, मार्टिकल हमेशा यूज करना है, आपको हमेशा एमटीजी इसमें ऑलवेज यूज करनी है,
और यहाँ पर आप फिर एमटीजी यूज करते तो डायरेक्शन में आपकी ट्रेड हो जाएगी विन। 95% मार्केट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देती है, 5% मार्केट एमटीजी दे देती है। लेकिन आपको यहाँ पर इसमें एक और बात का ध्यान रखना है, वो बात है क्या, वो मैं थोड़ा आपको और समझा देता हूँ। अब देखो, जब ये वी पैटर्न यहाँ ऐसे बन के आया, ऐसे समझ पाया, ठीक है, और मैं आपको बहुत सारी चीज समझाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझ लेना है ध्यान से, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मार्केट के अंदर में, यस, मार्केट के अंदर में क्या ये वी पैटर्न है? मार्केट के अंदर में क्या ये वी पैटर्न है? ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आया, आने के बाद में नीचे आया मार्केट, उसके बाद में ऊपर गया, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में तो ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक कराए, बिल्कुल ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर वी पैटर्न हमारा कंप्लीट हुआ, यस या नो? बिल्कुल हो चुका है यहाँ पर वी पैटर्न। उसके बाद में ग्रीन कैंडल हमको देखने को मिला है, बिल्कुल मिला है। उसके बाद में सेम डायरेक्शन ट्रेड लेंगे कॉल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर वी पैटर्न जो कैंडल बनाता है, बनने के बाद में जो कैंडल यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिस कलर का कैंडल बनता है, ग्रीन या रेड, आपको सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो ये ग्रीन बना है तो आपको यहाँ पर ग्रीन के लिए ही ट्रेड लेनी है, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट। लेकिन यहाँ पर आपको दो चीजों का, एक और चीज का याद रखना, जो चीज मैं आपको और बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। आपको एक और चीज ध्यान रखना है, मैं थोड़ा बताता हूँ, वेट 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 वेट। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो आप लोग, मार्केट के अंदर में यहां देखो, मैंने क्या बोला है, ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आ जाता है, ग्रीन के बाद में एक रेड कैंडल आ जाता है, उसके बाद में मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट आने लगती है, और तब यहां पर ये वी पैटर्न, ये वी पैटर्न है, छोटा वाला वी पैटर्न है। मार्केट तो नीचे निकल चुकी है, इससे कोई मैटर नहीं, लेकिन यहां देखो, आप कभी भी ट्रेड करो तो हमेशा कैसे ट्रेड लेनी है आपको, जब भी मार्केट ब्रेक करे, जब भी मार्केट इस वी पैटर्न को नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो यहाँ पर एक रेड कैंडल उसके बाद में देखने को मिली है, यस मिली है, तो रेड कैंडल आपको देखने को मिली है, तो आपको यहाँ ट्रेड लेनी थी पुट डायरेक्शन में, ग्रीन कैंडल जो बना है तो आपकी लॉस हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में आपको एमटीजी यहाँ पर यूज करना है, तो आपकी पुट डायरेक्शन में ट्रेड, आपकी एमटीजी ऑलवेज विन। तो मार्टिकल आपको यूज करना होगा, क्योंकि मार्टिकल आपकी ट्रेड को विन करा देता है जहां लॉस हो जाती है, तो और ओनली वन टाइम आपको मार्टिकल यूज करना है, ये नहीं कि बार बार आप मार्टिकल यूज करेंगे, नो, ओनली वन टाइम, एक बार लॉस होती है तो एक बार यूज करनी है। अगर उसके एमटीजी भी लॉस होता है तो आपको नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड देखनी है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, अगर आप मेरे कहने से जो चीजें मैं आपको फॉलो चीज बता रहा हूं, उस चीजों को बड़े ध्यान से समझोगे तो आपका लॉस होना तो है ही नहीं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं चीज पे, क्यों नहीं लॉस होगा, क्योंकि जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो चीजें एकदम रियलिटी चीज है जो मार्केट भी फॉलो करती है, और वो चीजें जो मैं आप लोगों को सिर्फ बता ही रहा हूँ और समझा रहा हूँ, जिससे आप भी प्रॉफिट करेंगे करेंगे, ठीक है। तो वन सेकेंड गाइस, एक सेकेंड रुकना आप जरा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक ट्रेड और शॉर्ट शॉर्ट मिलेगी, वो ट्रेड आपकी शॉर्ट शॉर्ट होगी क्या, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। ये ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, उन्हें छोड़ो, वो पहले की लगी हुई है, बट यहाँ पर आप ध्यान दो, जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मूवमेंट भी समझना है मार्केट का, कहाँ ट्रेड लेनी है और कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है।
इस बात का थोड़ा ध्यान से समझना मेरी बात। जैसे कि मार्केट के अंदर में एक रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यस आया, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया, नीचे की तरफ आया, तो मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने क्या काम करा, रेड आया उसके बाद में ग्रीन आया, तो आपको यहाँ पर एमटीजी विन होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, जहां भी मार्केट ब्रेकआउट करे, रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद में एक कैंडल का वेट करना है, वो जिस डायरेक्शन का बनेगा। अगर ये ग्रीन बनता कैंडल तो यहाँ पर आपको ग्रीन लेनी थी, ये रेड बना है तो आपको यहाँ रेड लेनी है, तो लॉस होगी लेकिन एमटीजी आपकी विन होगी, ठीक है। लेकिन मार्केट में एक और शॉर्ट शॉर्ट आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है, एक और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न आपको मिलेगा, मिलेगा ही, ठीक है। तो आपको बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझ लो। देखो मार्केट के अंदर में शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड होना क्या है, जब भी मार्केट रेड कैंडल के बाद में उसके बाद में बैक टू बैक दो ग्रीन कैंडल बना दे, जब भी मार्केट एक रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दे, बनाने के बाद में मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ आए वी पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन, दो ग्रीन, दो ग्रीन कैंडल है, तो इनके बीच में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। क्या लगानी है? हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद में मार्केट ने अगर ऊपर से एक रेड कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पर सेम डायरेक्शन पुट डायरेक्शन में ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दे रही है, आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट। क्या हो जाएगी? शॉर्ट शॉर्ट। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी आपकी। तो यहाँ पर एक ट्रेड आपकी पुट डायरेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर वी पैटर्न पर यही काम करेगा। क्या वी पैटर्न पर? ये नहीं कि मार्केट चलता जा रहा है और मार्केट कहीं भी आपको दो ग्रीन कैंडल मिल रहे हैं वहीं पर आपने लगाते, नहीं। सिर्फ ये पैटर्न जो काम करेगा वो वी पैटर्न बनाने पर ही काम करेगा, जहां पर आपको ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट आपकी ट्रेड मिलेगी। इसमें भी आपको मार्टिकल यूज करना का लॉस होती है, तो वरना इसके अंदर में 99% शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड रहेगी, शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड रहती है, और 1% आपका एमटीजी ऑलवेज विन हो जाएगा। ओके, तो जैसे कि इसमें आपको एक और बात का ख्याल रखना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि कहां किस बात का ध्यान रखना है, मार्केट कब क्या करती है, इस बात का ध्यान रखो। मार्केट के अंदर में एक भी, मतलब यहां से होने के बाद में, यहां से स्टार्ट होने के बाद में ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाए, तो आपको एक ही उसके अंदर में एक ही वी फॉलो करना है। क्या करना? एक ही वी का यूज करना है। जैसे कि अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां लगाऊंगा, कहां लगाऊंगा? यहां पे, यहां पर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, मार्केट वी पैटर्न कब फॉलो नहीं करेगी, कब आपको मार्केट वेव को बनाएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कब क्या करने वाली है मार्केट। थोड़ा इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, इससे ना आपको और अच्छे से समझ पाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं बात करूं, मैंने क्या बोला, एक चीज आपको मैंने बोली थी, मार्केट जब भी रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाए थे, दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बना दे, बनाने के बाद में आपको इन दोनों के बीच में क्या लगाना, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। यस, लगा ली। लगाने के बाद में मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ आया, इस रेड कैंडल ने ब्रेक करा, यस ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद में आपको नीचे ट्रेड लेनी है पुट डायरेक्शन में, तो आपकी यहाँ पर तो होगी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड, और यहाँ पर ट्रेड शॉर्ट शॉर्ट होने के बाद में इसने यहाँ भी एक वी पैटर्न इसने बना दिया है। क्या बना दिया? वी पैटर्न यहाँ पर नीचे से देखो आप, बना दिया ना, ये उल्टा वी है, उल्टा वी है, ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ये उल्टा वी है, ठीक है। तो मार्केट ने उल्टा वी इसने बना दिया, यस बना दिया, बनाने के बाद में एक ग्रीन कैंडल आया, यस आ गया, उसके बाद में बैक टू बैक रेड आ गया, तो यहाँ पर मार्केट ने लॉस कराया। तो लेकिन आपको यहाँ पर ट्रेड लेनी ही नहीं है। अगर आपको श्योर श्योर ट्रेड यूज करनी है तो मेरे भाई वो सिंपल सा फंडा है, एक ही पैटर्न के अंदर में, मतलब ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा, तो आपको ऊपर एक वी मिल गया है, फिर नीचे भी आप दो वी देख रहे हो, मतलब एक श्योर श्योर ट्रेड, एक वी पैटर्न आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको वी पैटर्न कहीं का उसके पैटर्न के अंदर में कभी भी नीचे
दो बने, तीन बने, कितने भी वी बने। देखो यहाँ पर एक वी बना, ये दो वी बनाने की कोशिश यहाँ पे की है, तो यहाँ ट्रेड नहीं लेनी है। मतलब आपको एक ही वी पर ट्रेड लेनी है। कहाँ लेनी है? एक ही वी पर। बस आपको ट्रेड कहाँ लेनी है? एक वी पर ट्रेड लेनी है। उसके बाद में आपको सेकंड ट्रेड जो लेनी है वो आप ले सकते हैं कि रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन आते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं जहां पर मैं बता रहा हूं कि ऊपर से मार्केट ब्रेक करे तो आपके लिए, आपको रेड के लिए लेनी है। जैसे कि मैं बोलूं, अब देखो यहां, देखो यहां आपको समझ में आ रहा है, यहां आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो आप, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूं, यहां देखो एक रेड कैंडल के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, यस या नो? बिल्कुल है। अब उसमें आपने बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, यस लगाई, तो किस कैंडल ने ब्रेक करा है? किस कैंडल ने ब्रेक करा है? देखो टच तो इस रेड कैंडल ने टच कर दिया है, मार्केट टचेस पे चलती है और एक गैप को फिल करने पे चलती है। तो आपको टचेस पे भी ट्रेड लेनी है और गैप को फिल करने पे भी ट्रेड लेनी है। बात समझ में आ रही है? मार्केट दो चीजों पे चलती है, एक तो टचेस पे चलती है और एक चलती है गैप को फिल करने पे चलती है। तो मार्केट के अंदर में आपको ट्रेड कैसे लेनी है? सिंपल। आप देखो ये जो रेड कैंडल था ना, रेड कैंडल ने सिर्फ टच किया है, टच करने के बाद में आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे पुट डायरेक्शन में। अगर आप सोचो कि मुझे टच किया तो टच में आप मेन ले सकता, तो देखो इस कैंडल ने टच किया है, इस कैंडल ने ब्रेक किया, रेड कैंडल ने ब्रेक करा, यस या नो? इस कैंडल ने ब्रेक करने के बाद में आप यहाँ पे पुट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हो तो आपकी लॉस हो जाएगी, उसके बाद में आपकी एमडीजे ऑलवेज विन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल होगी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि एक ही पैटर्न के अंदर में एक ही मार्केट रेंज चल रहा है, जो ऊपर से जा रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है? उसमें एक दो वी बना के आ गया है, ठीक है? तो आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है मेरे भाई, आपको ट्रेड नहीं लेनी, आपको एक ही वी पैटर्न को फॉलो करना है। क्योंकि मार्केट एक वी फॉलो करती है, दो भी कर लेती है, तीन भी कर लेती है, लेकिन दो फॉलो करने के बाद में मार्केट तीसरा फॉलो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से एमडीजी लॉस हो जाता है। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, जिससे आप कभी भी लॉस ना कर पाओ, ठीक है? तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना मेरे भाई, जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि ये मार्केट है। अब देखो आपके सामने एक लाइव पैटर्न चल रहा है। अब लाइव क्या इस ये क्या ये वी पैटर्न होगा आपका? आप ये सोचो क्या ये वी पैटर्न होगा आपका? अब देखो यहां, अब ये कैंडल कौन सा आएगा? ये रेड कैंडल आएगा या ग्रीन कैंडल आएगा, बताओ? क्योंकि मार्केट ने यहां से इसको ग्रीन कैंडल ने टच किया है, उसके बाद में एक रेड कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद में सेम डायरेक्शन रेड डायरेक्शन में ट्रेड आनी चाहिए। तो ये आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ये वी पैटर्न है यस या नो? क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट होने के बाद में जस्ट ये ऊपर चला गया है, ऊपर जाने के बाद में इसने यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है, जिसको बोलते हैं हम एक मैजिक वी पैटर्न बनाना। मैजिक वी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी मार्केट मैजिक वी बनाए तो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। भाई जब मैजिक वी पैटर्न बनता है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर भी चली जाती है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेना, और कहाँ ट्रेड लेनी है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मार्केट के अंदर में कहाँ ट्रेड लेनी है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखो मार्केट है, ये बहुत सारी चीज यहाँ पर चेंज होती रहती हैं, क्योंकि मार्केट हर वीकली चेंज होती है, लेकिन हर वीक जो चेंज होती है वो इस तरीके से चेंज नहीं होती, जो चीज मैं बता रहा हूँ वो चेंज नहीं होती है मार्केट के अंदर में, ठीक है? मार्केट यहां से स्टार्ट हुआ था, ऊपर की तरफ गया, ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये एक छोटा सा वी बनाया, एक छोटा सा वी पैटर्न बनाया, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनाया, तो सेम डायरेक्शन रेड कैंडल में ट्रेड क्लोज हो गई, तो होगी शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड यहां पर, यस या नो? बिल्कुल हो चुकी है। तो जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं और ध्यान से सुनो, मैं आपको और डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है?
मैजिक भी काम कैसे करेगा, मैजिक भी काम कैसे करेगा। और मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग, कहीं भी देख लो, कहीं भी बहुत सारे चार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं आपको फिर समझाता हूँ मेरे भाई, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब देखो ये एक छोटा सा, सबसे पहले मार्केट कहां से स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले मार्केट यहां से हुई थी ग्रीन, के बाद में रेड, रेड के बाद में मार्केट डाउन डायरेक्शन में आई, डाउन डायरेक्शन में आने के बाद में मार्केट एक साथ कंटिन्यू गई ऊपर। अब यहां पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के बाद में आप जरा देखो कि मार्केट ने क्या खेल खेला है और क्या नहीं है, आपको कहाँ ट्रेड लेनी कहाँ ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि मार्केट के अंदर में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। ठीक है, वेट वेट वेट, मैं थोड़ा सा एक लाइन और लेके आता हूँ, इसी को ले लेते हैं। चलो ठीक है, तो वो हमारी लाइन कहाँ थी, एक सेकेंड। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे, अब देखो देखना मेरी बात, लॉस कैसे हो रही है और कैसे विन हो रही है, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, मैंने एक चीज बोली आप लोगों को कि मार्केट के अंदर में एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगर दो बैक टू बैक रेड कैंडल हमको देखने को मिल जाती है, तो आपको दोनों रेड कैंडल के बीच में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, रेड के बाद में दो बैक टू बैक, ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक, और रेड के बाद में दो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है, सिंपल। जैसे कि मार्केट के अंदर में ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक आती है, तो जब मार्केट नीचे आने के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, जब बीच वाली लाइन को, इस लाइन को ब्रेक करती है, तो आपको सेम डायरेक्शन कॉल डायरेक्शन में ट्रेड ले लेनी है। तो ये जो ग्रीन कैंडल बना है, तो यहां पर आपकी ट्रेड हो जाएगी शॉर्ट शॉर्ट, यस या नो, हो जाएगी। होने के बाद में मार्केट ने यहाँ पर ऊपर देखो एक मैजिक वी लेवल कंप्लीट किया है, जब मैजिक वी लेवल बनाया, तो बनाने के बाद में एक रेड कैंडल हमको देखने को मिला है, उसके बाद में कोई भी रेड कैंडल नहीं आई, तो यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट भी लॉस हुआ, एमडीजी भी लॉस हुआ, कंटिन्यू हुआ। अब ये लॉस हुआ क्यों है, इस लॉस का रीजन है भाई, मेरी सिंपल सी वाली बात है, इस लॉस का रीजन है मार्केट का टारगेट है ये वाला फंडा। क्या टारगेट है, मार्केट का ये वाला टारगेट है। तो आपको कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं लेनी है कि मार्केट एक वी है, नीचे क्लोज करने के बाद में ऊपर ऊपर भी आपके लिए वी पैटर्न बना के रखी हो, तो मार्केट फिर नीचे वाले वी पैटर्न को फॉलो ना करके वो एक साथ ऊपर वाले लेवल को फॉलो कर लेगी। ऐसा होता है बहुत ज्यादा, 95% आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर में, इसलिए सबसे ज्यादा आप लॉस इस तरीके से करते हो। तो इन बातों को ध्यान रखना। अब देखो मार्केट ने क्या करा, अब मैं देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से लेके यहां लगाता हूँ। अब मार्केट ने एक यहाँ पर वी पैटर्न बनाया, वैसे ये टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़े मेढ़े से पैटर्न से बात नहीं बनती है, बस ये वी पैटर्न है मार्केट के लिए। यहां से आप जिग जैग लगा के देखेंगे तो यहां से यहां मार्केट पकड़ेगी, यहां से फिर ऊपर जाएगी मार्केट। तो ये वी है पैटर्न, वी पैटर्न बनने के बाद में देख लो आप क्या कंडीशन है मार्केट की, यहाँ पर ब्रेक किया वी पैटर्न, यस, उसके बाद में ग्रीन, उसके बाद भी ग्रीन हो गया सेम डायरेक्शन में शॉर्ट शॉर्ट। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि एक ही लाइन के आगे मार्केट यहां से चल रही थी, यहां से नीचे 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 नीचे, तो यहाँ भी देखो मार्केट ने एक पहले लेवल फॉलो किया है, एक लेवल फॉलो किया मार्केट ने। जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर ब्रेक किया है, तो ब्रेक करने के बाद में रेड आया, तो आपको यहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं करनी है, बस आपको ट्रेड प्लेस कहाँ करनी है कि ग्रीन के बाद में दो बैक टू बैक रेड कैंडल आ रहा है, तो बीच में आप हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा सकते हैं। लगाने के बाद में यहाँ पर ब्रेक किया है इस ग्रीन कैंडल ने, तो सेम डायरेक्शन में कॉल डायरेक्शन में ट्रेड आप प्लेस कर सकते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा मैं आप लोगों के लिए, आराम से समझा रहा हूँ, प्यार से समझो क्या क्या गलती कर रहे हैं, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है, सिंपल। तो इसलिए ऊपर भी एक वी पैटर्न बना के मार्केट रखी हुई है, तो उसको भी फॉलो करेगी मार्केट। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला फॉलो नहीं किया ना,
ऊपर वाला बोलो करेगी करेगी, अब नीचे आप ट्रेड नहीं, ट्रेड नहीं लेनी है आपको। नीचे ट्रेड क्यों नहीं लेनी है? आपकी आंखों के सामने यहाँ भी पैटर्न बैठा होगा कि क्या हो सकता है कि मार्केट सेम डायरेक्शन ऊपर निकल जाए, तो इसलिए वेट करना है। शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेनी है, हर चीज देखकर ट्रेड लेनी है, क्योंकि हर चीज देखकर ट्रेड लोगे तभी मजा आएगा। अब